हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज है 26 जनवरी और अभी हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं पतरातू लेक रिसोर्ट से। देखिए, जैसा कि पीछे देख रहे होंगे, पीछे पानी, ये है पतरातू डैम और इधर सब कोई फ़ोटो शूट कर रहा है, अपनी घुटकी उधर घूम रही है, सारे कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए ले लिए हैं। और उधर है पतरातू लेक रिसोर्ट का पार्क, वो अंदर में झूला उला सब है। तो हम लोग अंदर ज़्यादातर नहीं जाते हैं, बाहर ही आते हैं। इसके अंदर हम लोग गाड़ी भी घुसा देते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, बोलता है लेकिन जान पहचान है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो देखिए, भुटकी का पूरा रोला जमाया जा रहा है, सब फोटो खिंचा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सारे को बाइक में फ़ोटो खिंचाने के लिए पूरा भीड़ लगा के रखा है और बाइक को तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, सब एक एक करके 10-10 पोज में खिंचा रहा है। उधर अभी सीधा चलते हैं गोप्रो पे और यहाँ से चलते हैं पतरातू वैली की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पतरातू लेक रिसोर्ट में कितना भीड़ है पूरा 26 जनवरी के दिन। अभी इतना भीड़ नहीं है, जनवरी में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा था। तो ये जो फूल लगाते हैं, ये सब मोटर बोट वगैरह के लिए हैं, टिकट काटते हैं। तो चलिए, अभी चलते हैं हम लोग पतरातू वैली की तरफ। और वो क्या देखने के लिए मिला, तीन आए हाय। हम कुछ बोलेंगे ना ही नहीं देगा, क्योंकि इधर पीछे साइलेंसर का आवाज बड़ी जोर दे रहा है। साइलेंसर खोला हुआ, मेरा नंबर प्लेट नहीं है और पीछे से यार मेरा गाड़ी होने का सेल्फ मारे और सीधा भाग लिए और रुके नहीं। यहाँ पे कुछ कांड हुआ है, कहा गई यहाँ पे लगता तो है कुछ कांड हुआ है। ओ भाई, बहुत हेवी क्रिक है, वहीं से अनबैलेंस होते हुए उधर से उधर चलाएगा। यहाँ इतना कहा भीड़ है पता नहीं, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ था, मामू का डर। सब फटफटा रहा है साइलेंसर खोल के, क्या बात है। तो काम कर लो भैया, पूरा हवा कम किया है, फिर भी कैसे हो रहा है। चलो यहाँ पे मामू है, इसलिए मुझे नहीं मार रहे हैं, आराम से चलना है। तो गाइस, मामू सबका गाड़ी बंद हो चुका है, सब चल गया है, पूरा निगाह आना चाहिए इस तरह। तेल गिरा हुआ फिलिप कर जाएगा। अरे ऐसा में विली क्या मारेंगे गाइस, ये
एक इंच का भी जगह नहीं है तो बिजली कहाँ मर आएगा? एक इंच भी जगह नहीं मिलता है मामू। अरे तो गाइस अभी पतरातू वैली के टॉप से उतर के यहाँ पे खड़ा हुए हैं। ऊपर गए थे, ऊपर देखे ज्यादातर मामू सब लाइन से लगे हुए हैं। मामू सब लाठी से कूट कुटा देंगे, इसलिए अभी यहाँ पे आके रुके हैं। तो अभी दिखाते हैं अपना बाइकों का लाइनअप पूरा वहाँ से है। आगे राजन का बाइक है, उधर से लेके इधर अपनी भुटकी उटकी सब, ये अपना ग्रुप का है, उस साइड से आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस देखिए अभी हम लोग का बाइकों का लाइनअप, ये पूरा अभी फिर से नीचे जाएगा। एक बार ऊपर आया, अवर डैम तरफ जाने का प्लान है, उधर भी जा सकते हैं। तो चलिए रुकना नहीं है, चलते रहना है, थोड़ा बहुत रुकना है, फिर चलना है, फिर चलना है, फिर रुकना है। तो आज उतना भीड़ नहीं है, अभी शाम होते होते लेकिन पूरा भीड़ हो जाएगा। आगे यहाँ पतरातू वैली के नीचे जस्ट सामने यहाँ पे देखिए कितना क्राउड हो चुका है, पूरा भारी भरकम भीड़। अभी यहाँ विली विली उठा रहे थे, अभी थोड़ा भूख और प्यास दोनों लगा तो यहाँ पे गन्ना का जूस पी लिए हैं थोड़ा सा। अरे डैम के तरफ जाएंगे फिर उधर से वापस जाएंगे इधर जिधर हम बोल। यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़, और एलेक्स का बाइक अपनी बूट की, और उधर पूरा क्राउड यहाँ इतना क्राउड में विली मारने नहीं बनता तो काहे जाए मारने। देखिए एफ जेड वाला जबरदस्ती कर रहा है, री स्प्लेंडर मर जाएंगे एक दिन कुत्ते की मौत रे, थोड़ा कम करो यार। और बस भी चल रहा है, पीसीआर वाला आएगा तो सब भाग जाएगा यहाँ से। अरे हैं उधर चलेंगे तो अभी चलिए सबको डैम तरफ जाने के लिए तैयार। तो चलिए फिर से आइए आप लोग गोप्रो पे। तो फ्रेंड्स अभी आए हैं हम लोग पतरातू डैम। अरे पतरातू डैम के अभी फाटक तरफ आए हुए हैं। देखिए उधर है फाटक पानी गिरने वाला, इधर का क्राउड देखिए, उस साइड से टिकट लगता है इसलिए इस साइड से सारे कोई आते हैं अपना बाइक वाइक लेके। इधर समझिए तो एक तरह से रांची वाला वो छोटा सा रॉक गार्डन है, उधर पूरा सब अपना अपना गर्लफ्रेंड को लेके उधर खोपचे में रहता है, और इधर पूरा भीड़ सर, उधर भी पूरा भीड़ है, और इधर तो इधर। अरे भाई गाड़ी का क्या हो गया? ये कूलन फेंक रहा है, गाड़ी धुआं धुआं कर रहा का है। अरे और देखिए झारखंड की संस्कृति पूरा इधर ठसाठस भीड़ है, यहाँ पे पीसीआर घुसेगा तो निकल भी नहीं सकता। ओ भाई का है ऐसा हो रहा है गाड़ी, देख सकते हैं पतरातू डैम पे डैम का जो भीड़ होता है उसमें भी यहाँ धुआं धुआं कर दिया। फ्रेंड्स अभी फिर से हम लोग डैम तरफ से वापस आ चुके हैं नलकारीपुर से, और नलकारीपुर में देखिए ये मेरा स्टैंड पॉइंट है, यहीं पे मेरा ज़्यादातर रिसोर्ट होता है। यहाँ पे आए, यहाँ पे पूरा क्राउड था, अभी मामू सब आए, मामू मतलब पुलिस सब आए, पुलिस सब आए तो पूरा खाली करा दिया।
देखिए उस साइड वाला पुल भी है, इधर वाला भी पूरा पुल खाली खाली, और मामू सब उधर अपना PCR वैन लेके घूम रहे हैं। वो देखिए मेरा फैन सब, मेरा भाई लोग है उधर, इधर क्राउड ही क्राउड अभी भी है, सब थर है, कोई मामू आ जाए या कुछ आ जाए भागेगा नहीं सब। तो चलिए अब देखते हैं किधर जा पाते हैं, बर्नआउट मारा जा रहा है पूरा दबा के, भीड़ में नहीं घुसने का पहचानने के लिए, पहचान लिए भाई, साथ में चलो भैया अपन इधर से देखिए। अच्छा इनको इनको खिंचाने का बोलो, मार देंगे भाई आराम से, आगे कुछ नहीं रखो ले 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 चलो, बैटरी खत्म हो गया था हमको पता नहीं चला था, और प्लस में क्या बताएं मेरा वो जो हेलमेट का वाइजर था वो टूट गया, 500 का नुकसान उसमें चला गया, क्या बताऊँ, एक बंदा आ गया साला अचानक आगे व्हीली मारने वही सब बोल रहा है, और कैमरा लगा के है आगे में, हट ही नहीं रहा है सामने। शाम का वक्त हो चुका है, और पीछे देखिए उधर बहुत सारा बाइक को सीज करके रखे हैं पुलिस वाले, मतलब पकड़ के रखे हैं वहाँ पे, वहाँ लाठी वाठी भी मिल रहा है जिन सबका बाइक है, जिनका जिनका साइलेंसर खुला हुआ है ना उन सबको पकड़ रहे हैं ज्यादातर, जिनका बाइक ज्यादा आवाज कर रहा है, अभी पिकअप मंगा लिए सारे गाड़ी को, थाना लेके चल जाएंगे इसीलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो ब्लॉग को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।